नमस्कार, स्वराज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बड़ी खबरों से देश ही नहीं विदेशों में सुर्खियां बटोरने वाला उन्नाव जिला का एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि मलेशिया में चल रहे एशिया पैसिफिक मास्टर्स गेम्स में उन्नाव के लाल ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्नाव के रहने वाले आनंद शर्मा ने वॉकिंग रेस प्रतियोगिता में पहला स्थान पाकर देश के लिए गोल्ड जीता है। आनंद की इस कामयाबी की खबर पाकर उनके घर में ही नहीं पूरे जिले में खुशी की लहर है। यहाँ फर्स्ट एशियन मास्टर्स पैसिफिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गोल्ड मेडल जीत के आप सभी को उसकी खुशी देने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। बिल्कुल जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। उन्नाव के आनंद शर्मा ने मलेशिया में चल रहे एशिया पैसिफिक मास्टर्स गेम्स में उन्नाव के लाल आनंद शर्मा ने गोल्ड जीत लिया। आनंद शर्मा ने 5 किलोमीटर की वॉकिंग रेस प्रतियोगिता में अव्वल आकर देश का नाम रोशन कर दिया है। आनंद शर्मा के भाई राम कृपाल को जब पता चला कि उनके भाई ने गोल्ड मेडल जीता है तो वो खुशी से नाचने लगे। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील की है कि जो सम्मान देश के दूसरे खिलाड़ियों को मिलता है उनके भाई को भी मिले, ताकि वो प्रोत्साहित होकर आगे भी देश का नाम रोशन कर सके। ये खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष का जो है नाम रोशन हुआ है, अपने आवासीय विकास का, अपने उन्नाव का, अपने जनपद का, और भारतवर्ष का अगर नाम ऊपर जा रहा है, विश्व पटल पर अगर लहरा रहा है तिरंगा, बहुत ही खुशी की बात है। और बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और 2001 में वहाँ पर ज्वाइन किए, 8 साल वहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक पर मेहनत किए, फिर उसके बाद कई सारे नेशनल हैं उनके 10-15 बार, और फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस ज्वाइन की, सिंथेटिक ट्रैक है यहाँ पर लखनऊ पर, तो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस रखें और अभी आज यहाँ पे। आनंद शर्मा की माँ सरला देवी ने जब सुना कि उनका बेटा स्वर्ण पदक जीता है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े, और पिता राम नायक तो अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थक रहे। उसको रुचि थी कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं कि लोग कहें कि हाँ ये आनंद है, हमको बड़ी खुशी कि हमारा पुत्र, हमारा लड़का, हमारा बेटा ऐसा है कि आज उसके उससे हमारी बहुत खुशी है, और जो हमसे हो सका हमने किया अपने बच्चों के लिए। आनंद की कामयाबी की खबर से पूरे जिले में खुशी की लहर है। जानने वालों का आनंद के घर बधाई देने के लिए तांता लगा है। स्थानीय लोगों को गर्व है कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने विदेश की धरती पर देश का नाम रोशन किया है। उसने जो मुकाम हासिल किया है उसके ऊपर हमें गर्व है, और बहुत ही संघर्ष के साथ उसके पिताजी ने उसको आगे पढ़ाया लिखाया और इस अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ाया कि जो हम लोग अपने फ्रेंड्स के ऊपर गर्व है। खेल प्रतिभा आनंद शर्मा के खून में पहले से ही है। आनंद के पिता राम विनायक अपने जमाने में कुश्ती के कुशल खिलाड़ी रहे। उन्होंने 1962 में इलाहाबाद शहर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में मेरठ के पहलवान को पटकनी देकर कुश्ती जीती थी। 1966 में बहरीन में रहने के दौरान बातों बातों में ही उन्होंने पाकिस्तान के पहलवान मोहम्मद उमर को भी चारों खाने चित किया था। इस पर बहरीन के शेख ने आनंद के पिता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। उन्नाव से दयाशंकर की रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए एक नजर डालते हैं देश का नाम रोशन करने का जज्बा रखने वाले आनंद के सफरनामे पर। तो ये सफरनामा है, 1999 में पहली बार 5 किलोमीटर पैदल जो प्रतियोगिता थी वो जीती। ये प्रतियोगिता उनके कॉलेज की तरफ से पंडित दीनदयाल में आयोजित करवाई गई थी। साल 2000 में फैजाबाद मंडल में भी उन्होंने कारनामा करके दिखाया, और लगातार ये जो कारवां है वो चलता रहा, लगातार आनंद को सफलताएं मिलती रही। 10 दिन तक चलने वाला गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू हो चुका है, और हर साल की तरह इस बार भी भगवान गणेश की प्रतिमाएं नदियों में प्रवाहित होंगी, मगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं को नदी में प्रवाहित करने से जल प्रदूषित ना हो इसके विकल्प के रूप में कानपुर के पर्यावरण प्रेमी इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहा है। पर्यावरण प्रेमी विवेक तिवारी का दावा है कि उनकी बनाई मूर्तियां विसर्जन के बाद प्रदूषण नहीं हरियाली लाएंगी। Yeah!
हर साल अनंत चतुर्दशी पर ये नारे गूंजते हैं और घातक रंगों से रंगी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणपति की मूर्तियों का विसर्जन नदियों में होता है। हमें ये भी मालूम है कि इस तरह की मूर्तियों के विसर्जन से नदियों का जल साल दर साल प्रदूषित हो रहा है, मगर धार्मिक आस्था और परंपराओं की जंजीरों में हम ऐसे जकड़े हैं कि प्रकृति के साथ होने वाले इस खिलवाड़ को रोकने में खुद को लाचार मान बैठे हैं। लेकिन कानपुर के एक ज्योतिषाचार्य विवेक तिवारी ने ऐसी राह दिखाई है कि अब इस प्रदूषण को काफी हद तक रोका जा सकेगा। ज्योतिषाचार्य विवेक तिवारी ने गौमूत्र तो आपको बता दें कि कानपुर में नई पहल की जा रही है जिसके तहत अब प्रदूषण जो है वो नदियों में नहीं फैलेगा। बढ़ते आगे, गढ़वाल की संस्कृति में लोक विधाओं का अपना अलग ही महत्व रहा है, मगर आधुनिकता की दौड़ में ये लोक विधाएं केवल कुछ क्षेत्र या गांव तक ही सीमित रह गई हैं। ऐसी एक लोक विधा है हाथी और एड़ी स्वांग। इस विधा को बचाने के लिए अब भारत सरकार की संगीत नाट्य अकादमी की ओर से नई पहल की गई है। क्या है ये खास पहल, देखिए इस रिपोर्ट में। चमचमाती पोशाक, मदमस्त हाथी की सवारी, मगर गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाथी तो कहीं है ही नहीं। केवल कुछ लोग पालकी नुमा ढांचे पर, जिसे हाथी जैसा रूप दिया गया है, अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं और झूमते हाथी जैसा नाटक कर रहे हैं। इसे स्वांग भी कहा जाता है। दरअसल ये हाथी स्वांग उत्तराखंड की मशहूर लोक विधाओं में से एक है और आधुनिकता की दौड़ में अब कुछ गांव देहात के इलाकों तक ही सीमित रह गया है। उत्तराखंड की ये लोक विधा लुप्त न हो जाए, इसके लिए भारत सरकार की संगीत नाट्य अकादमी ने नई पहल की है। इसी पहल के तहत राजकीय इंटर कॉलेज गंगोरी में स्वांग लोक विधा को लेकर 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन अकादमी की ओर से उत्तरकाशी की संस्कृति, लोक नृत्य और नाटकों पर काम कर रहे लोक गायक ओम बधानी और संस्कृत कर्मी सुरेंद्र पुरी ने करवाया। जो लोक कलाएं हैं पूरे देश में, उनको ये संरक्षण के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको कुछ सहयोग दिया जाए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में लोक रंग उत्तरकाशी द्वारा और महिला विकास समिति लक्षेश्वर, किसान विकास समिति संग्राली, इन सब के द्वारा हमको सहयोग किया गया और हम लोगों ने यहाँ पे एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे किया। इस कार्यशाला में स्कूली बच्चों ने खुद स्वांग कर लोक विधा का नाट्य रूपांतरण कर इसकी बारीकियां जानी। हाथी स्वांग में ग्रामीण हाथी का रूप लेकर नृत्य करते हैं, तो वहीं एड़ी स्वांग में राक्षस का रूप लेकर नृत्य किया जाता था। बता दें कि गढ़वाल में पांडव नृत्य का आयोजन कई दिनों तक होता था। इसमें हाथी स्वांग और एड़ी स्वांग का भी आयोजन किया जाता था, जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से अंतिम संस्कार सभी करते हैं, लेकिन कानपुर में एक डॉक्टर ने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बाद उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया। देखने और सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन कानपुर के डॉक्टर हिमांशु मिश्रा की इन भावनाओं की जीव प्रेमी प्रशंसा कर रहे हैं। जिस दौर में इंसानियत दम तोड़ रही हो, उस दौर में ये तस्वीरें सुकून देती हैं। हो सकता है ये तस्वीरें कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन रूजो महज एक कुत्ता नहीं था, वो कानपुर के डॉक्टर हिमांशु मिश्रा के जिगर के टुकड़े जैसा था। और भला हो भी क्यों ना, 12 साल तक उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, जो खुद खाया उसे भी खिलाया, उसकी देखभाल और खान पान में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। ब्रूजो को अपने परिवार का हिस्सा जो मानते थे,
डॉक्टर हिमांशु मिश्रा। बारह साल पहले हमने एक जीव पाले थे, उनका नाम ब्रूजो रखा हमने, और वो हाँ वो आज से 13 दिन पहले नहीं रहे, तो क्योंकि परिवार का हिस्सा माने गए और वैसे ही वो रहे, और उनकी जो हम लोग खाते थे वो भी खाते थे, जो आचरण लगभग उनके थे वो लगभग हम ही लोगों के हो गए थे ना। तो इतनी वफादारी और इतना तो कोई अपनापन ही, ऐसे इंसान दो लोगों को अपनापन ही आपस में जोड़ सकता है। तो हमने उनका क्रियाकर्म वैसे ही किया, दाह संस्कार भी किया। कोई अजर अमर होकर नहीं आया, न इंसान न जानवर, लेकिन जब कोई अपना दुनिया छोड़कर चला जाता है तो आंखें डबडबा जाती हैं और दिल उदास हो जाता है। जर्मन शेफर्ड नस्ल के ब्रूजो की अब यादें बाकी रह गई हैं। 13 दिन पहले तक ब्रूजो कानपुर के आर्यनगर इलाके में रहने वाले डॉक्टर हिमांशु मिश्रा के परिवार का हिस्सा था। उसने जब डॉक्टर हिमांशु की बाहों में दम तोड़ा तो उनका दिल इस कदर भर आया कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य की तरह ब्रूजो की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से सारे अंतिम संस्कार करने की ठान ली। डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने ये श्वान को लगभग 12 साल से पाले थे बच्चे की तरह, और गमी हो जाने के श्वान मतलब जो इन्होंने पाले थे, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद एक जैसे मनुष्य का दाह संस्कार अंत्येष्टि किया जाता है, उसी तरह इन्होंने पूरा विधिवत मनुष्य की तरह ये तरह ही श्वान का कर्म विधान किया, और उनके न रहने पे जिस तरह मनुष्यों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है इसी तरह इन्होंने भी विधिवत किया, और 13 ब्राह्मणों का जैसे 13वीं भोजन कराया जाता है, ऐसे डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी ने 13 ब्राह्मणों का भोजन भी कराया। खुद भी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर हिमांशु का तर्क है कि जब आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है तो भला अपने परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ रहे ब्रूजो का क्यों नहीं। अब भले ही धर्म के झंडा बरदार डॉक्टर हिमांशु मिश्रा के तर्क से सहमत ना हो, लेकिन जीव प्रेमी संस्थाएं डॉक्टर मिश्रा की भावनाओं की प्रशंसा कर रही हैं। कानपुर से राजेश एन अग्रवाल की रिपोर्ट, जी मीडिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही सही, देहरादून में सफाई व्यवस्था में प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। हाई कोर्ट ने 48 घंटों में पूरा शहर साफ करने का आदेश दिया है। सालों से जिन इलाकों और नालियों की सफाई नहीं हुई थी, अब कोर्ट की फटकार के बाद हो रही है। इससे दूनवासी भी काफी खुश हैं। सफाई तो हर दिन नगर निगम की तरफ से किया जाता है, बट जो कुछ उसके बाद भी कुछ जगह में कहाँ लोग पब्लिक है ऐसा डंपिंग जोन यूज़ करते हैं इनफॉर्मली, उसको ऐसा क्रोनिक डंपिंग जोन बना दिया, उसको साफ सफाई भी जरूर रहते हैं, वो हटाएंगे तो देन सिटी का एक सफाई है वो दिखाई देगा। सो एंड ऑल्सो सम ऑफ द कोर एरियाज है, सब प्रोमिनेंट एरियाज है, उसका भी एक छोटा मोटा स्वीपिंग करने में उसका हल नहीं होगा, कुछ परमानेंट एक लुक एनहांसमेंट के लिए भी कुछ काम करना है। सो उसी के ध्यान रखते हुए हमने नगर निगम की तरफ से कुछ नालियां का सफाई भी, और कुछ कहीं पे पेड़ वगैरह लॉपिंग करना है, कहीं पे जमीन वगैरह लेवल करना है, वो भी हमने उसको साथ साथ टेकअप किया है। नगर निगम के जो स्थायी कर्मचारी हैं, ये 750 स्थायी कर्मचारी हैं, इसके अलावा मोहल्ला समिति के 610 कर्मचारी हैं, और इन सब के अलावा जो हमारे पास में 75 रात्रि सफाई कर्मचारी और 120 नालागैंग कर्मचारी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो है अभी 120 लोग को और लगाया हुआ है, प्रति वार्ड हम लोगों ने जो है 20-20 लोग और अतिरिक्त रखे हुए हैं, जो हर वार्ड में अपना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो हमारी 45 गाड़ियाँ चलती हैं कूड़े को लेकर, उसके अलावा 21 ट्रैक्टर ट्रॉली अतिरिक्त लगाई हुई हैं जो हमारे इस काम में मदद कर रहा है। साथ में हमने हर वार्ड के लिए एक नोडल ऑफिसर भी नामित किया हुआ है, और जिला स्तरीय अधिकारियों में से कुछ लोगों को हमने पर्यवेक्षक के रूप में भी नामित किया हुआ है जो वार्ड की सफाई को लेकर। कोर्ट के आदेश के बाद ही सही, लेकिन जिला प्रशासन हरकत में आया, नगर निगम हरकत में आया, और जो सालों से सफाई नहीं हुई थी जिस तरह से होनी चाहिए थी वो अब हो रही है। देखिए पूरी जो टीमें हैं, पूरे 60 के 60 जो वार्ड हैं उनमें टीमें लगी हुई हैं, और सालों तक जो नालियां चौक थी जिनका कभी संज्ञान नहीं लिया गया, जिनको कभी देख के नहीं देखा गया कि वो चौक क्यों हैं,
पानी ओवरफ्लो क्यों हो रहा है। हर दिन जब भी बारिश भारी बारिश आती थी तो देहरादून की जो सड़कें हैं वो तालाब बन जाती थी, और अब देखिए वो नालियां तोड़ी जा रही हैं। देखिए यहाँ पे ये परेड ग्राउंड के चारों तरफ की जो सड़कें हैं वहाँ का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि नालियों को जो ऊपर जो है वो चौड़ा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसके अंदर जो मलबा प्लास्टिक कचरा जो सालों से दबा पड़ा था उसको बाहर निकाला जा रहा है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को और नगर निगम को 48 घंटे की मोहलत दी है और कहा है इन 48 घंटों में कहीं भी कूड़ा कचरा और जो नालियां हैं वो साफ होनी चाहिए। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, देहरादून। देश को आजाद हुए 70 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन प्रदेश के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। ऐसा ही एक गांव है गाजीपुर जनपद के जंगीपुर विधानसभा का ग्राम तरछा अम्माटारी। गांव तक आने जाने के लिए सड़क नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। अनोखे प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव तरछा अम्माटारी की। शहरों में बुलेट ट्रेन लाने की बात होती है, कई शहरों में मेट्रो रेल भी शुरू हो चुकी है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर काम इंटरनेट से होने लगा है, हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस गांव की किस्मत कहें या प्रशासन की अनदेखी, आजादी के इतने बरस बाद भी इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। गांव के बच्चे खेतों से होकर स्कूल जाते हैं, तो वहीं गांव में अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस पहुंचने का रास्ता तक नहीं है। गांव के लोग खेतों के रास्ते 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करने के बाद किसी निकटतम सड़क पर पहुंचते हैं। दिक्कत यह है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो 108 या पर फोन करेंगे तो सीधे एम्बुलेंस वाला कहता है कि आप लोग लेकर के पहले रोड पर आइए, तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जब हम लोग चारपाई पर लदवा करके वहां से जब भिजवाते हैं तब जाकर के तो फिर एम्बुलेंस मिलेगी और वहां से आदमी जाएगा। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इस गांव के लोगों की परेशानी को किसी ने नहीं समझा। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है, इसीलिए कभी कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी भी गांव के हालात देखने नहीं आया। यानी चारपाई में बांस बांध के जैसे पुराने जमाने में लोग मरीजों को घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचाते थे उसी प्रकार का दृश्य था। सभी ने लोकतांत्रिक तरीके से, क्या पुरुष क्या महिलाएं आप देख रहे हैं, सभी ने सिंबॉलिक कार्यक्रम किया है। गांव में जिधर भी जाएंगे किसी भी तरफ रास्ता नहीं है, सड़क पर जाने के लिए उन्हें 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जब गांव वालों की समस्या पर जिला अधिकारी के बालाजी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और गांव की सड़क के निर्माण के लिए प्रांतीय खंड अधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है। इसके लिए इसको संज्ञान में लिया गया है, एक्सीएन प्रांतीय खंड से इस संबंध में रिपोर्ट मांग की गई है और यदि लोगों का जो जायज मांग है उसको जरूर पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। मीडिया के माध्यम से मामला प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचता है तो हर बार कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विकास के कदम देश के दूर दराज के गांव तक पहुंचते पहुंचते दम क्यों तोड़ देते हैं। क्या यही मान लिया जाए कि दूर दराज के गांव को विकास के मानचित्र से किनारे लगा दिया गया है। अनिल कुमार, जी मीडिया, गाजीपुर। 2 अक्टूबर को यूपी को खुले में शौच मुक्त घोषित करने की तैयारी है, लेकिन फतेहपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो इसके बिल्कुल उलट है। तस्वीरें बताती हैं कि दावे भले ही राज्य को ओडीएफ बना देने के हों, लेकिन अब भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां लोग खुले में शौच कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन गांव में शौचालय बनाए ही नहीं गए। नतीजा महिलाओं को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है। आरोप है सरकार शौचालय के लिए 12,000 रुपए दे रही है लेकिन ग्राम प्रधान लाभार्थियों को रुपए नहीं दे रहे। 2,000 ईंटें देकर शौचालय बना लेने को कहा जा रहा है। वहीं जब इस बाबत डीएम ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर ग्राम प्रधान इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण की पहले मैं जांच करा लूंगा कि वस्तु स्थिति इसमें क्या है। अभी हमने ग्राम प्रधानों की बैठक ली थी और उसमें स्पष्ट रूप से उनसे कह दिया गया था कि किसी भी तरीके की धांधली अनियमितता, वो चाहे शौचालय हो चाहे आवास हो, किसी भी तरीके की अगर अनियमितता अब हमारे सामने अगर आती है तो
तो उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। दर मालगाड़ियों में क्षमता से ज्यादा माल ढुलाई के मामले रेलवे प्रशासन के सामने आने के बाद अब सख्ती बढ़ती जा रही है। मालगाड़ियों में ओवरलोडिंग के चलते पिछले साल कानपुर के पास लखनऊ आ रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। अब मालगाड़ियों में ओवरलोडिंग पकड़ने के लिए रेलवे ने वेइंग मशीनें लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर सभी जोनल मुख्यालयों को मालगाड़ियों की ओवरलोडिंग को लेकर चेतावनी दी है। दरअसल पटरियों की आयु उनकी क्षमता के हिसाब से होती है। ट्रेनों की एसएलआर बोगियां लीज पर लेने वाले धारक क्षमता से ज्यादा माल बोगी में भरते हैं, ऐसे में शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। अधिक भार पड़ने से पटरियों की वेल्डिंग टूट जाती है। दो स्लीपर के बीच पटरी के ऊपर पहिया गुजरने पर बार बार दबाव पड़ता है जिससे पटरी टूटने लगती है। चार प्राइवेट साइडिंग हैं जिनमें कि ऊंचार और टांडा में दो थर्मल हैं वहाँ पे। इसके अलावा गौरीगंज और कुंदनगंज की प्राइवेट साइडिंग्स इनमें भी लगे हुए हैं जो कि अपने उन प्राइवेट साइडिंग्स के हैं, प्राइवेट व्यक्तियों के हैं। तो प्रयास ये रहता है कि किसी भी प्रकार की ओवरलोडिंग से बचा जा सके और अगर किसी पार्टी ने किया है तो हम उसका पेमेंट करा करके अकॉर्डिंगली पेनल्टी हम उनके ऊपर इम्पोज करते हैं और वो जहाँ पे लोडिंग हुई होती है जिस डिवीजन में हम वहाँ उसकी रिपोर्ट को भिजवा देते हैं जिससे कि उनसे पेनल्टी वसूली जा सके। रेलवे अब वेइंग डिवाइस लगा करके माल भाड़ों में हो रही चोरी को पकड़ने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये वेइंग डिवाइस ओवरलोडिंग को पकड़ेगा जिससे माल भाड़े में हो रही बड़ी चोरी को पकड़ा जा सकेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वेइंग डिवाइस व्यास और मुरादाबाद में लगाया जा चुका है। साथ ही ये डिवाइस इस तरह से काम करेगी जब इसको पटरी में लगाया जाएगा अगर कोई भी मालगाड़ी उससे गुजरती है तो वो एक प्रिंटिंग पेपर निकालेगा जिसमें ये मालूम चल जाएगा कि उसका वेट क्या था, जहाँ से वो चली है माल के साथ और जहाँ पे वो जा रही है उस माल के साथ उसका एक डिफरेंस आ जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ा फर्क आने पर चालान भी काटा जाएगा। साथ ही रेलवे का दावा है कि इससे पुरानी जो पटरियाँ हैं उसको बचाया जा सकेगा क्योंकि लखनऊ और कानपुर रेलखंड में काफ़ी दबाव है इन पटरियों पर। साथ ही आपको बता दें कि एक दिन में 160 से ज़्यादा ट्रेनें इससे गुजरती है और ये भी रेलवे का बड़ा दावा है कि इससे तो एक माल भाड़े में चोरी को रोका जा सकेगा, साथ ही पुराने पटरियों को भी बचाया जा सकेगा। कैमरामैन दिवाकर के साथ लोमस जी मीडिया लखनऊ। और इसी के साथ स्वराज में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।